गुड मॉर्निंग सेवेंथ क्लास। यहाँ पर हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हिस्ट्री के पेज नंबर 49 से आज अध्ययन करेंगे। कल आपके द्वारा तालिका का अध्ययन किया जा रहा था, जिसमें मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासकों की प्रमुख अभियान और उनकी घटनाओं का वर्णन पढ़ रहे थे हम। ये बच्चों, मैंने कल भी आपको बताया था कि आपके जीके टाइप के क्वेश्चन इसमें काफ़ी सारे निकलते हैं। ये तालिका जो आपके द्वारा पढ़ी जा रही है वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप मुग़ल साम्राज्य के बारे में कुछ भी लेख या किसी भी तरह की जीके को तैयार करते हैं अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आगे जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी नॉलेज भी मुग़ल साम्राज्य के बारे में बढ़ती जाएगी। यहाँ पर बेटा हमने कल जो पढ़ा था बाबर के बारे में, बाबर जो थे मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान के अंदर इब्राहिम लोदी को और उसके बाद खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा को हराया था। 1528 में चंदेरी का युद्ध इन्होंने लड़ा था। इसके बाद 1530 में इनकी आकस्मिक मृत्यु के पश्चात इनका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा था, लेकिन वहाँ पर अपने पिता की वसीयत को उसने अपने भाइयों में बराबर बराबर बांट दिया था और समय पर भाइयों ने उसकी मदद नहीं करी, जिसका परिणाम यह निकला कि अफगान शासक शेरशाह सूरी के द्वारा वहाँ पर चौसा के मैदान में हुमायूं को हरा दिया गया था 1539 के अंदर। उसके बाद 1540 के कन्नौज के युद्ध में भी एक बार और हुमायूं हार गया था शेरशाह सूरी के हाथों से, तो उसके पश्चात उसने ईरान की तरफ कूच कर लिया था। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि अफगान शासक शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यहाँ से भगाकर, दिल्ली सल्तनत से भगाकर ईरान तक खदेड़ दिया था। लेकिन 55 में तुरंत इसकी एंट्री हुई थी 1555 में, और इसने जो ईरान का शासक था उसकी मदद से सफाविद शाह जिसका नाम था उसकी सहायता से 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, लेकिन एक वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर का शासनकाल 1556 से चालू हुआ था जो 1605 तक चला था। बच्चों आपने इसमें पढ़ा था कि अकबर के शासनकाल को तीन भागों में बांटा गया था। जब ये गद्दी पर बैठे थे तब ये अल्पायु के थे, मात्र 13 वर्ष की आयु थी इनकी, और उस समय इन्होंने अपने संरक्षक बैराम खां और अन्य जो घरेलू कर्मचारी थे उनके अंडर में रहते हुए अपने शासन व्यवस्था को संभाला था या संचालन किया था। उसके बाद का जो काल आया था जिसके अंतर्गत 1570 से 1585 तक का काल कह सकते हैं, इसमें इन्होंने बड़े बड़े सैनिक अभियान करे थे, और 1585 से 1605 तक का जो काल था उसके अंतर्गत अकबर द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया गया था और अपनी प्रशासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान की गई थी। अब हमारे द्वारा जहांगीर के बारे में इस पेज से अध्ययन किया जा रहा है। बच्चों जहांगीर जो थे अकबर के पुत्र थे, सलीम के नाम से ये फेमस थे उस समय विशेष में, और सलीम ने अकबर के अंतिम शासनकाल के समय में विद्रोह भी कर दिया था। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था। 1605 से 1627 तक का इनका कार्यकाल रहा था। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली थी। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूर्णतः सफल नहीं रहे थे। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया था उसने विद्रोह कर दिया था। जैसे जहांगीर ने, ये सलीम के नाम से थे बेटा लेकिन बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठे थे, इन्होंने अपने पिता अकबर के अंतिम शासनकाल में विद्रोह कर दिया था गद्दी के लिए, गद्दी को प्राप्त करने के लिए। इसी तरह से जहांगीर के शासनकाल में भी जब इनका अंतिम समय चल रहा था तो इनके पुत्र खुर्रम ने विद्रोह कर दिया। खुर्रम ही बाद में शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए जो असफल रहे थे। आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। शाहजहां 1627 से 1658 तक का इनका शासनकाल रहा था।
खुर्रम के नाम से इनका खुर्रम इनका बेसिक नाम था, बेसिकली नाम था जो शाहजहाँ के नाम से ये फेमस हुए थे। दक्षिण में, दक्षिण का जो भारत था, दक्षिण में शाहजहाँ के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह भी किया था और वह पराजित हुआ था। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ये क्षेत्र है बेटा ओरछा, जहाँ पर इनका अधिकार हो गया था। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेगों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप कांधार सफाविदों के हाथ से चला गया। कांधार तक अकबर ने अपना शासनकाल स्थापित कर लिया था, लेकिन शाहजहाँ के काल तक आते आते कांधार सफाविदों के हाथ में चला गया था। मतलब फिर से जो ईरान का शासक था उसके हाथ में चला गया था, मुग़ल साम्राज्य से निकलकर। 1632 में अंततः अहमदनगर को मुग़लों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया था। 1657 और 58 में शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था कि मतलब गद्दी पर कौन बैठेगा। इसमें उनके जो चार पुत्र थे, उन चारों पुत्रों में औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत उनके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहाँ को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में भी कैद कर दिया गया था। एक बात यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगी बच्चों कि ये जो मुग़ल साम्राज्य था, यहाँ पर गद्दी बराबर से नहीं बांटी जाती थी, बल्कि क्या होता था, जितने भी राजा के पुत्र होते थे वो आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ते थे और लड़ाई में जो जीतता था वो तो गद्दी का वो बन जाता था उत्तराधिकारी, और बाकी के सबको मौत के घाट उतार दिया जाता था। कहते हैं ना कि किसी के पतन का मुख्य कारण क्या है, या मुग़ल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या है। मुग़ल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर उत्तराधिकार के नियम के अभाव में आपस में पुत्र गद्दी को प्राप्त करने के लिए लड़ते थे और ऐसी स्थिति में वो अपनी शक्ति का प्रयोग अपनों पर ही कर लेते थे, जिससे उनकी पकड़ प्रशासन पर कम हो जाती थी। तो ये कारण है ना, मतलब मुग़ल साम्राज्य के लास्ट में पतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो शाहजहाँ थे, ये दारा शिकोह जो उनका सबसे बड़ा पुत्र था उसको गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन चारों पुत्रों का जब आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हुई तो उसके अंदर औरंगजेब विजयी हुआ। और औरंगजेब जो है वो अंतिम प्रतापी शासक कह सकते हो आप, बहुत अधिक कट्टर शासक था, उसी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप औरंगजेब जो 1658 से 1707 तक गद्दी पर बैठा था, देखो इसका शासनकाल भी कितना लंबा चला था। जैसे अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 चला था, ऐसे ही औरंगजेब का शासनकाल भी 1658 से 1707 तक चला था। और इसके बाद कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो कि मुग़ल साम्राज्य की बागडोर को संभाल सकता, सब कमज़ोर शासक ही हुए थे और धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य पतन की ओर चलता गया। हाँ बेटा, औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे हैं अब अपन। 1663 ईस्वी में उत्तर पूर्व, ये जो औरंगजेब था बेटा, इसका सारा समय दक्षिण भारत में ही निकल गया। दक्षिण भारत में कभी जगह जगह से विद्रोह हो रहे थे, कभी मराठा शक्ति विद्रोह कर रही थी शिवाजी के नेतृत्व में, कभी है ना और दूसरे क्षेत्र जो थे, इसके अलावा सिखों ने औरों ने भी उत्तर भारत में भी, पश्चिम भारत में भी और दक्षिण भारत, पूर्वी भारत सभी जगह से विद्रोह की आवाज़ें उठने लग गई थी मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ, और उन्हीं को दबाने में इसका पूरा शासन काल समाप्त हो गया। औरंगजेब 1658 से 1707 का इनका काल था। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई थी, परंतु उन्होंने 1680 ईस्वी में पुनः विद्रोह कर दिया। उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली थी। मारवाड़ के राठौड़ों राजपूतों ने मुग़लों के खिलाफ विद्रोह कर दिया।
इसका कारण था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान आरंभ में सफल रहा, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैदखाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाए थे। राजकुमार अकबर ने, ये जो इनका पुत्र था औरंगजेब का, उसका नाम क्या था? अकबर। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उसे मराठाओं और दक्षिण को सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। अकबर के विद्रोह के पश्चात, मतलब उसका जो पुत्र था वो खुद भी विद्रोह में शामिल हो गया था। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्षिण के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया था। 1698 में औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों, जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे, के विरुद्ध अभियान का प्रबंध स्वयं किया। औरंगजेब का उत्तर भारत में सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्षिण में मराठों के विरुद्ध का विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। मतलब एक तरह से औरंगजेब जो था प्रतापी शासक सिद्ध हुआ, उसके बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंत की ओर चल दिया। लास्ट शासक जो था वो हमारे 1857 में बहादुर शाह जफर थे, मुगल साम्राज्य के, दिल्ली सल्तनत पे जिनका साम्राज्य था, और 1857 की क्रांति के बाद उनको भी गद्दी से हटा दिया गया। पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य का पतन जो हुआ था वो 1857 में की क्रांति के बाद हुआ था। बेटा यहाँ आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की क्लास ली जाएगी या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे की चैप्टर को बढ़ाया जाएगा। थैंक यू बेटा।